एक नई चिंता हमें खाई जा रही है बलभद्र सिंह। काली मैया की कसम, बुजुर्गों ने कहा है चिंता चिता के समान होती है। कुछ कर्म करो कर्म। कर्म क्या खाक कर्म? सुबह से 3 एमएलए के घर में फोन करा चुका हूँ, उनमें से कोई भी अपने घर में मौजूद नहीं है। सीएम साहब, नेता लोग घर में मौजूद कहाँ होते हैं? गए होंगे गए पिकनिक शिकनिक पर, 4-5 छुट्टियां जो आ गई हैं। नहीं, बात कुछ और है। पता चला है कि कुछ और एमएलए भी अपने घर में नहीं है। हमारे खिलाफ गहरी साजिश तो नहीं रची जा रही है? हमें लगता है हमारे साथी शायद हमसे दुखी है। सीएम साहब, वो आपसे दुखी नहीं है। काली मैया की कसम, वो हमसे दुखी है। सीएम साहब, होम मिनिस्टर बनना था राम मोहन जी को, हम बन गए। सक्कर मिनिस्टर के लिए बहुमत मिलना था पाटिल साहब को, वो हमारे आदमी को मिल गया। उनके दुख का कारण हम हो सकते हैं, लेकिन हम उनके दुख को कम तो नहीं कर सकते। सीएम साहब, आप उनको मनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर वो ज्यादा फैल गए ना, तो काली मैया की कसम बात सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ जाएगी। नमस्ते जी। नमस्ते खन्ना साहब, आइए बैठिए। थैंक यू जी, थैंक यू। कहिए, कैसे हैं हमारे एमएलएस? अजी बड़े मजे में हैं जी, आपको दुआएं दे रहे हैं जी। आपके मुताबिक मैंने उन लोगों की इतनी सेवा की है कि थोड़े दिन तो क्या, वो तो जिंदगी भर कैद में रहने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा? 100%। और तो और, गवर्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग भी फिक्स हो गई है। कब की? आज दोपहर की। आखिरकार वही हुआ ना जिसका हमें डर था। पहले तो उजला धोखे से हमारे एमएलए को अपने साथ ले गई, और अब वो गवर्नर साहब से मिलने गई है। सीएम साहब, एक बात बताइए, गवर्नर साहब क्या दूध पीते बच्चे हैं जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे? क्या कर लेगी वो? खतरे की घंटी को सुनो बलभद्र सिंह, वो दोबारा इलेक्शंस करवा सकती है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ सीएम साहब। हाँ विनी जी, और इस बुरे वक्त से सिर्फ आप ही हमें निकाल सकती हैं। और आप चाहें तो उजला देवी को बर्बाद तक कर सकती हैं। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मैं अपने घर को आग लगाकर तमाशा देखने वालों में से नहीं। उसका मतलब जब आपको फाइनेंस मिल गया और सीएम साहब ने आपको प्लॉट दिलवा दिया है, तो आपको हमारी जरूरत नहीं है। मिस्टर सिंह, शायद आपको ये पता नहीं है कि ये पैसे मैं लौटा चुकी हूँ। क्यों, कोई नया बकरा फांस लिया है? तुम इससे बात करो बलभद्र सिंह, जी हमारी मेहमान। नेवर माइंड सीएम साहब, इंसान हमेशा अपनी औकात के मुताबिक ही बात करता है। हमारी औकात को मत ललकार भी नहीं डबराल, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? अगर ये सीएम साहब का घर नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देती कि मैं कौन हूँ। सीएम साहब, आज के बाद मैं उषा ठाकुर के खिलाफ कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दूंगी। ये अचानक आपने तब्दीली कैसे आ गई? एक दुश्मन आपकी दोस्त कैसे बन गई? वो हमेशा ही मेरी दोस्त थी, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो अब खुल गई है, और आज के बाद मैं ना ही अपने पति और ना ही उषा के खिलाफ कुछ भी कहूंगी। इट वॉज नाइस नोइंग यू। सीएम साहब, जाते जाते ठेंगा दिखा गई और अंग्रेजी में गाली दे गई आपको। मुझे बर्बाद करने वाले अब खुद तबाह हो जाएंगे। जब मैंने गवर्नर को सीएम की काली करतूतों के बारे में बताया तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन को ऑर्डर दे दिया कि इस मामले में जल्द से जल्द तहकीकात की जाए, और साथ ही में री इलेक्शन की घोषणा भी दे दी। इसका मतलब है कि फिर इलेक्शन होंगे? आपने तो कमाल कर दिया उजला जी। खन्ना साहब, ये कमाल आपके साथ के बगैर अधूरा रहता। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं जी, भला अकेला मैं भी क्या करता। खैर, अब ये बताइए
कि आगे क्या करना है? सबसे पहले इलेक्शन की खबर प्रेस में दे दीजिए। हो जाएगी जी। और दूसरी बात, सारे एमएलएस को इलेक्शन की तैयारियों के लिए अपने अपने घर भेज दीजिए। वो भी कर देंगे जी। चंगा जी, मैं चलना। सीएम साहब सुनिए क्या कहती है उजला देवी। गवर्नर साहब से मिलकर उजला देवी ने प्रस्ताव रखा है कि इलेक्शन फिर से कराए जाएं, क्योंकि सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और इस सरकार से लोग नाखुश हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार बनाई जाए। सीएम साहब तकिया आ गई है उजला देवी। देखिए मिस्टर बलभद्र सिंह, एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, शायद आपको मालूम नहीं, ये उजला ठाकुर है ना, वो कभी भी कोई भी बात बगैर ठोस सबूत के नहीं बोलती। सीएम साहब, ठोस सबूत क्या है आप मुझे मत सिखाइए। 8-10 साल तक तहकीकात करते रहेंगे और बाद में बोलेंगे मामला बेबुनियाद है। लेकिन हमारे एमएलए अगर वो वाकई उसके साथ मिल गए हों तो मिलने दो ना ससुरा को। सीएम साहब, काली मैया की कसम, जब तक हम आपके साथ हैं आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये कुछ एमएलए क्या हैं? खन्ना साहब, आप आज से ही इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप बेफिक्र रहिए जी, ये इलेक्शन ही हमारा मकसद है, इसके लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। उजला जी, इस इलेक्शन के लिए तो हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन अगर हम ये इलेक्शन ना जीत पाए तो? खन्ना साहब, आप हार की बात मत कीजिए, हम ये इलेक्शन जरूर जीतने वाले हैं। हर जगह सिर्फ हमारी पार्टी की चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए किसी चीज की कमी ना होने पाए। गंगा जी, हमारा कोई ऐसा इलाका नहीं रहेगा जहां उजला देवी जिंदाबाद की आवाज ना सुनाई दे। आखिरकार वही हुआ जिसका हमें डर था। उजला अपनी चाल चलने में कामयाब हो गई और हम सिर्फ देखते रह गए। सीएम साहब, आप हार बड़ी जल्दी मान जाते हो। अरे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो क्या हो गया, चुनाव तो नहीं जीत गई वो। और फर्ज करो अगर वो चुनाव जीत गई तो क्या करोगे? तो भी वो कुर्सी पर नहीं बैठेगी। हमें कुछ समझा नहीं। काली मैया की कसम, मैं कुर्सी पर बैठने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। उसकी जीत की खुशी को इस कदर मातम की स्याही से रंग दूंगा कि वो अपनी जिंदगी में कभी सुबह नहीं देख पाएगी। लेकिन वो तो बात की बातें हैं, फिलहाल हमें इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, आप इलेक्शन की तैयारी शुरू करो और मैं उसके मौत के सामान की तैयारी शुरू करता हूं।
माया देवी। सीएम साहब, ये टेंशन वेंशन छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको इसका तोड़। हाँ बोलो। जिंदा हाथी होता है 1 लाख का और मरने के बाद होता है वो 2.25 लाख का। अरे बल बदल जी, आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ बोलिए। सीएम साहब, हमारा मकसद जो जिंदगी जिंदा रहते पूरा नहीं कर सकी ना, वो तो मरने के बाद जो पूरा कर देगी। अच्छा तो हम बैठे उसका इंतजार करते रहे? ना, इंतजार नहीं करना होगा, इंतजाम करना होगा उसका। मर्डर? हाँ मर्डर, वो भी उजला देवी के हाथ। अरे उजला जी उसका मर्डर क्यों करने लगी? अरे उजला देवी नहीं करेगी उसका मर्डर, उसका मर्डर तो करेंगे हम और उसका इल्जाम ठोकेंगे उजला देवी के सर पर। अब काली मैया की कसम, अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर अपने ढुलक भाग जाएगी और देखना, इलेक्शन का टिकट तो बहुत दूर की बात है, ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलेगा सुसरी को। हेलो, हाँ अडवाणी साहब कहिए। हाँ क्या उषा को मर्डर? आप ये कह रहे कि हमने उषा को मर्डर करने का प्लान नहीं? कब? आज उसके जुलूस में? अब तुम इस बात पर चुकी हो कि उषा को मारने का प्लान बना रही? उषा को मारने का प्लान मैंने नहीं बनाया। तो कौन मानना चाहता है उषा को? मैं नहीं जानती हूँ। आई स्वेयर आई डोंट नो। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने फोन पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। नहीं निशान, मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें सब पता है। निशान प्लीज। देखो वो लोग उजला को झूठ तो मानना चाहते हैं ना, तुम ना तो फोन करोगी ना इस घर से बाहर जाओगी। अगर उजला को कुछ हो गया, माइंड यू मुझसे बुरा कोई नहीं। क्या सोच रही हैं उजला जी? नीचे लोगों की भीड़ जमा है, आपको मुबारकबाद देने आए हैं काफ़ी लोग। चलिए नीचे चलिए और उसके बाद जुलूस में जाना है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है जी। यहाँ क्यों आए? इंदर उजला की जान खतरे में। क्या कह रहे हैं? मैंने अभी भी विनी को किसी से फोन पर बात करते सुना है, वो लोग उजला को जुलूस में मारने का प्लान बना रहे हैं। इंदर वक्त सोचने का नहीं है, तुम्हें सारी जिंदगी बचाना पड़ेगा। चलो लेट्स गो। नहीं सर, उजला की जान को कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर पवार, मोबाइल ऑफ करके अपने साथ रखिएगा और कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये आपके पास है जी। चलिए उजला जी, आप और आपकी पार्टी से लोगों को काफी उम्मीद है, आप उन उम्मीदों को कहाँ तक पूरा करेंगे? मैं कुछ कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती हूँ। हर नेता पहले ही बोलता है। रमाकांत जी, आप खन्ना साहब। ओ इंस्पेक्टर साहब, आने दीजिए जी। आइए आइए रमाकांत जी। मुबारक हो उजला देवी। थैंक यू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं रमाकांत जी?
देखो वो लॉन्ग लाइन, ये वो अभी क्या कर रही है? वो अपनी जान बाजी पर लगा देगा। वो तो हमेशा से ही ऐसा था उजला। I like you, but I don't love you.